देखो फ्रॉड का मीनिंग हमने पढ़ा, एक्ट एक्सप्रेशन ओमिशन कंसीलमेंट, और फिर इसके बाद हमने ये सारी चीजें फ्रॉड में पढ़ी। तो फ्रॉड की डेफिनेशन तो बता दी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड का एक्सेप्शन है, ये फ्रॉड की डेफिनेशन में कवर नहीं आएगा। समझो, एक्सेप्शन टू फ्रॉड जनरल कमेंट्स। अब समझो, तुम जनरल कमेंट्स दे रहे हो, कुछ बातें हैं जो जनरल बता रहे हो। एक होता है सजेशन देना, ऊपर हमने क्या पढ़ा फ्रॉड के डेफिनेशन में क्या रहा है, कि आप जानबूझकर कुछ गलत सजेशन दे रहे हो जिससे आपको मालूम है कि सामने वाला इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप एक जनरल सजेशन दे रहे हो कि भाई हाँ यार टाटा कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, ये मैंने जनरल सजेशन दिया, और तुम लोगों ने ये सजेशन सुनकर वहां पे पैसा लगा दिया और कल को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो क्या ये मैंने फ्रॉड किया क्या? नहीं, मैंने ये जनरल कमेंट दिया। तो इन्होंने कहा कि जब कभी भी कोई भी क्या देता है, जनरल कमेंट्स देता है इन अ गुड फेथ, गुड फेथ में दे रहा है, ठीक है। अब ये जनरल कमेंट किस किस में दे रहा है, पहला क्या लिखा है, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सरकार अभी आ जाएगा रिजल्ट कुछ टाइम बाद, जैसे रिजल्ट आएगा तो भाई बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, आम आदमी जो भी आती है वट एवर, तो दिमाग लगाते हैं सब कि भाई ये सरकार आएगी ना तो इस कंपनी को ना ऐसा ऐसा फायदा होने वाला है, इस कंपनी को ये लॉस होने वाला है, तो इस हिसाब से हम कौन सी कंपनी में पैसा लगाए और कौन सी नहीं, ये गवर्नमेंट की जब इकोनॉमी, गवर्नमेंट जब आएगी या फिर इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी ये डिसाइड करवाता है। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में तुम खुद देख रहे हो ईवी बहुत ज्यादा आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत आ रहा है। अब गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है कि भाई हम ईवी लाएंगे, जैसे तुमने देखा होगा नितिन कटकरी, ठीक है, कुछ ना कुछ बताता रहता है कि भाई अब मैं क्या नया लेकर आने वाला हूँ, तो गवर्नमेंट पॉलिसी बन रही है ना उस पर बेस। तो जब गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ आती है उससे हर कोई चार दिमाग लगाता है कि भाई किस किस सेक्टर में इफेक्ट आने वाला है, तो किस सेक्टर की सिक्योरिटी हमें खरीदना चाहिए। तो ये एक जनरल कमेंट है जो जनरली आपको सोशल मीडिया में दिखता रहेगा, तो ये फ्रॉड की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तुमने थोड़ी ना कोई कंसल्टेंसी ली थी और उसे फीस वगैरह ली थी, ठीक है, और जो उसने इंटेंशन में फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी, बात समझ में आ रही है। तो जनरल कमेंट अगर इन टॉपिक्स में दिया जा रहा है तो ये फ्रॉड नहीं है। पहला किस में दिया जा रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा, इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, आने वाला टाइम हमारा बहुत अच्छा है इंडिया का, भाई जनरल कमेंट बता रहे हैं हम, सिचुएशंस बता रहे हैं कि जीडीपी बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ट्रेंड इन द सिक्योरिटी मार्केट, हम ट्रेंड बता रहे हैं कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, लोग धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, लोग धीरे धीरे एसआईपी में आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं हम डायरेक्ट करेंगे खुद से इन्वेस्टमेंट, तो मार्केट ट्रेंड बता रही है, जनरल है। देन क्या लिखा है, एनी अदर मैटर लाइक नेचर, इनके जैसे जो भी मैटर जो जनरल गुड फेथ में किए जा रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखना, क्लियर है। फिर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी हमने पढ़ी थी, ऑथराइजेशन दे देगी किसी को भी से भी, तो वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी होगी, ठीक। रेगुलेशन 3 अब फटाफट क्या पढ़ा था, कुछ सर्टेन डीलिंग्स थी जिन्हें साफ साफ प्रोहिबिट कर रखा था, आप कुछ भी गलत डिसेप्टिव स्कीम वगैरह ये सारी चीजें यूज नहीं करोगे। फिर हमने रेगुलेशन नंबर 4 पढ़ा था, रेगुलेशन नंबर 4 बोलता है कि मैनिपुलेटिव फ्रॉडुलेंट एंड अनट्रेड प्रैक्टिसेस की पूरी लिस्ट है, कि मान लिया जाएगा कि आपने ये सारे गलत काम किए, तो ये जनरल जनरल जनरली बात है, ये चैप्टर बेसिकली ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। हाँ किस में, बी बी और सी में। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, यूज, इसने क्या टर्म क्या है, यूज। फिर एम्प्लॉय, इन कनेक्शन टू इश्यू परचेज सेल एनी सिक्योरिटी लिस्टेड प्रपोज टू बी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। जब भी आप क्या कर रहे हो, इश्यू परचेज या जो भी सेल कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पर आपने क्या यूज किया, डिसेप्टिव डिवाइस यूज किया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय डिवाइस स्कीम टू डिफ्रॉड। ऊपर क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी जब खरीद बेच रहे हो सब्सक्राइब तब डिवाइस यूज करो, और ये क्या कह रहे हैं, इन जनरल कर रहे हो, पूरे टाइम कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक एक सिचुएशन बताता है कि इन सिचुएशंस में ये बोल रहा है, एम्प्लॉय आपने कभी भी डिसेप्टिव डिवाइस, आपका सिस्टम ही फ्रॉड वाला है, आपने गलत इसमें स्कीम्स लगा के रखी है, जरूरी नहीं कुछ खरीदने बेचने का हम वेट करें, तो जरूरी नहीं है खरीद बेचने, मैं कह रही हूँ डीमैट अकाउंट ही खुलवाए तो कुछ धोखा हो गया तुम्हारे साथ, इश्यू करूंगी खरीदी बेचूंगी वो तो अलग है, खरीदते बेचते वक्त कुछ धोखा हुआ या फिर ऑल टाइम धोखा हो रहा है, तो ये बस एक जनरल है, ये क्या है, जनरल है, और ये क्या है, स्पेसिफिक सिचुएशन है, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट थी, ये हमने पढ़ लिया था, आज हमने कहाँ से पढ़ना है, यहाँ से, अजय हेडिंग साफ साफ समझो। अब यहाँ से हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, सब जनरल चीजें, किसकी पावर पढ़ रहे हैं, सेबी की, कौन सी पावर, टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेट। सेबी ने इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, भाई इन्वेस्टिगेशन करो, किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन, जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा कि भाई कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन का काम हो रहा है, फ्रॉडुलेंट हो रहा है या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है। चलिए, द चेयरमैन सेबी की बात हो रही है,
वेदर से भी द चेयरमैन ऑफ द मेंबर या फिर एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर है रीजनेबल ग्राउंड बिलीव दैट उनको लग रहा है कि ये सारी चीजें हो रही है तो तुरंत ऑर्डर दिया जाएगा। किस चीज का ऑर्डर? इन्वेस्टिगेशन करने का। तो कब कब ऑर्डर दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन का? पहला, जब अब आपको लग रहा है कि सिक्योरिटी में कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं जो क्या है डिट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल है किसके लिए इन्वेस्टर्स के लिए या फिर सिक्योरिटी मार्केट, तब हम देंगे, जनरल है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एनी इंटरमीडियरीज एनी पर्सन, हमें क्या लग रहा है क्या कर रहा है रूल्स रेगुलेशन एक्ट का क्या कर रहा है वॉयलेशन कर रहा है। कब कब इन्वेस्टिगेटिंग करने का ऑर्डर पास किया जाएगा? पहला, जब भी हमें लग रहा है कुछ हार्मफुल हो रहा है या फिर जब भी हमें क्या लग रहा है लॉ को क्या किया जा रहा है वॉयलेट किया जा रहा है, जनरल। चलिए, इट मे एट एनी टाइम ऑर्डर इन्वेस्टिगेट, दैट्स इट। और ये इन्वेस्टिगेट करने वाला कौन होगा? हमारी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी एनी पर्सन हो सकता है जो सेबी ऑथराइज करते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट हेडिंग पावर। अब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को ऑर्डर तो दे दिया, करो, अब उसकी खुद की पावर पावर आ जाओ टू कॉल द इन्फॉर्मेशन, जनरल बात है, आप हैं वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। चलो बताओ, जाओगे विजिट करोगे इन्फॉर्मेशन मांगोगे रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्सेस करोगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ले सकते हो उसकी कॉपी ले सकते हो, तो यही सारी जनरल बात है। पहला, इन्फॉर्मेशन मंगवाओगे, ठीक, इंस्पेक्शन करोगे किसका, बुक्स का, रजिस्टर का, डॉक्यूमेंट्स का, पूरी लिस्ट दे रखिए। रिक्वायर एनी इंटरमीडियरी और एनी पर्सन एसोसिएटेड फर्निश सच इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंसान जो किसे कोई भी इंटरमीडियरीज या कोई भी एसोसिएटेड पर्सन उन सब से क्या मांगेंगे इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो ऊपर है, ऊपर पॉइंट लिखा था इंस्पेक्शन करेगा उन सबका और इनसे क्या बोल रहा है इन सबसे मंगवाएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, कीप इन इट्स कस्टडी बुक्स रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स, जिसका इंस्पेक्शन किया जो इन्फॉर्मेशन मंगवाई वो क्या करेगा अपनी कस्टडी में रखेगा, ठीक है, 6 महीने तक। हाउएवर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मे कॉल फॉर एनी बुक रजिस्टर अदर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड इफ द सेम इज नीडेड अगेन, फिर से मंगवा सकता है। आज चार बुक लेकर गया, चार बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स लेकर गया, कल जरूरत पड़ी तो और ले लेगा, तो ये सब जनरल बात है, ठीक है। चले नेक्स्ट, एग्जामिन करेगा ओरली एंड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन, मतलब तुमको बुलाएगा, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तुम जो जवाब दोगे, ठीक है, एग्जामिन कर रहा हो साथ में रिकॉर्ड भी करेगा तुमने क्या क्या रीजन दिया, ताकि कल को आगे जब बात लेकर जाएंगे तो हम बोलेंगे कि इसने बंदे ने ये हमें बताया, विद सिग्नेचर तुम्हारे करवा लिए जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं बस डिटेल बता रहे। एग्जामिन ऑन द ओथ, ओथ बोले तो शपथ, जो बोल रहे सच बोल रहे, ठीक है, ओथ भी कुछ नहीं एफिडेविट के थ्रू में वो करेंगे, ठीक है। एनी मैनेजर मैनेजर एक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय इन सबसे ओथ में इन्फॉर्मेशन लिखवा लेगा कि भाई जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, एफिडेविट के साथ इन्फॉर्मेशन दो। नेक्स्ट, टू कॉल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड फ्रॉम एनी पर्सन इंक्लूडिंग बैंक्स अदर एनी अदर अथॉरिटी, भाई कंपनी की बात हो रही है तो कंपनी के बैंक से भी जरूरत पड़ेगी तो उनसे भी इन्फॉर्मेशन मंगवा लेगा। टू मेक एप्लीकेशन टू द जज डेजिग्नेटेड कोर्ट इन मुंबई एज नोटिफाइड बाई दी सी जी एज ऑर्डर, क्या लिखा है, जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे सीज करने के लिए, व्हाट यू मीन बाई सीज, जब्ती करने के लिए, ठीक है। अब इन्होंने एक इंसिडेंट प्रॉपर बोल रखा है, डेजिग्नेटेड कोर्ट मुंबई सी जी ने नोटिफाई किया था, एक्चुअल में सी जी ने ऐसा किया, मुंबई के एक डेजिग्नेटेड कोर्ट को बोला कि भाई हमारी हेल्प करो, सी जी ने बोला कि भैया तुमको ये काम करना है, क्या काम करना है, सीज में हेल्प करनी है। हो सकता है हमारा ऑफिसर पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाए, हमने कहीं और भी पढ़ा ये सारी चीजें, ऑफिसर को पहुंचते पहुंचते टाइम लग जा रहा है, तो पुलिस ऑफिसर कोर्ट डेजिग्नेटेड कुछ याद है स्पेशल कोर्ट, ठीक है, तो उसमें यही होता था कि भाई तुम अभी कर लो ये सारे काम, बाद में हम आपसे ले लेंगे। नेक्स्ट, टू कीप इन इट्स कस्टडी बुक्स रजिस्टर अदर डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड सीज, ठीक है, नॉट लेटर देन द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, आफ्टर रिटर्न, अपनी कस्टडी में रखा, मस्त इन्वेस्टिगेशन किया, काम खत्म, वापस रिटर्न कर दो भाई। नेक्स्ट, एवरी सर्च सीजर कैरीड आउट इन अकॉर्डिंग विद दी, क्या लिखा है ये, पढ़ा है सीआरपीसी पढ़ा है, इन्होंने कहा कि भाई कैसे सर्च करना है कैसे सीज करना है, अपने पूरा सीआरपीसी पढ़ा है। अब वहां पे याद है पुलिस वाला भी वारंट सर्च वारंट ये सारी चीजें, ठीक है, प्रोमाइसेस में जा सकता है, हाँ क्रिमिनल जो है वो आईपीसी से जुड़ा हुआ है, मालूम है ना, सीआरपीसी आईपीसी दोनों जुड़े हुए, और सीपीसी सीपीसी अलग होता है, सीआरपीसी और आईपीसी अलग होता है, ये पूरा सिविल और ये क्रिमिनल, ये सीधे से पेनल्टी बताता है और ये क्या बताता है, ये प्रोविजन मेन प्रोविजन बताता है सब्सटेंटिव, और ये दोनों बताता है, इसी में पेनल्टी है इसी में पूरा प्रोविजन है, और ये इसके लिए सेपरेट बना है, एक्चुअल में दोनों जुड़े हुए हैं, कभी भी इसे सिंगल नहीं पढ़ा जाता, दोनों को साथ में ही पढ़ा जाता है, लेकिन सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है तुम्हारे, है ना, थोड़ा ही है, LLB करोगे तो ज़्यादा पढ़ोगे। चलो, मुझे कोई कमीशन नहीं मिल रहा है LLB से, ठीक है, इंटरेस्ट है तो ही करना, पता चले नहीं मैं तो नहीं करूँगी। चलो, समझ में आ गया, जनरल चीज़ें,
नेक्स्ट क्या लिखा है, तुम लोग यहाँ आईटेक्स में आए इन्वेस्टिगेशन करने, तो आईटेक्स में जितने भी एम्प्लॉय है ऑफिसर है इनकी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है आपके साथ कॉपरेट करने की, फिर से सब जनरल बातें, आओ ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन भाई, आपको क्या देंगे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को भाई बुक्स अकाउंट रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट जो ऊपर पड़ा था वो देंगे, अपियर बिफोर दी पर्सनली, खुद सामने पर्सनली खड़े रहेंगे क्योंकि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप जवाब दे सको, ठीक है, विदाउट प्रेजुडाइज टू कंपनीज एक्ट, उन्होंने कहा भाई कंपनीज एक्ट को मत खिलाओ, कंपनीज एक्ट जो बोलता है वो तो मानो मानो, इट शेल द ड्यूटी ऑफ एवरी मैनेजर मैनेजर एक्ट ऑफिसर अदर एम्प्लॉयज कंपनी एवरी इंटरमीडियरीज, ठीक है, जो भी रेगुलेशन नंबर 12 में इंटरमीडियरीज की लिस्ट है उसकी बात हो रही है, प्रिजर्व प्रोड्यूस टू इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ऑल बुक्स रजिस्टर अदर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स, कंपनीज एक्ट जो बोलता है उसकी बातें ध्यान में रखकर आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो मांग रहे हैं ठीक है प्रिजर्व करो प्रोड्यूस करो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के सामने। अब कंपनीज एक्ट बोलता है रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना कितने साल तक, अब वो 10 साल पुराने रिकॉर्ड्स पूछेंगे तो क्या दे पाएंगे क्या, जो परमानेंट है वो दे देंगे, जो टेम्प्रेरी है वो 8 साल तक के लिए, उन्होंने कहा भाई कंपनीज एक्ट का ध्यान रखना और सारी चीज़ें वैसे ही प्रिजर्व करके रखना, तो भाई 8 साल पुरानी चीज़ें वो मांगेंगे हम दे देंगे, 9 साल पुरानी चीज़ें मांगे हम दे पाएंगे नहीं, क्योंकि कंपनीज एक्ट बोलता है भाई तुमने अलग से थोड़ा ना कुछ हमें बोला था, ठीक फिर क्या बोलता है, सच पर्सन शैल अलाउ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, भाई किसी भी प्रोमाइसिस में घुस सकता है चेकिंग कर सकता है ठीक है, एक्सटेंड टू इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी एग्जामिन बुक्स अकाउंट्स, बच्चों चल क्या रहा है वापस, ये थोड़ा रिपीट लग रहा है ऊपर की तरह, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो बंदा वही काम कर रहा है बस हम असिस्ट कर रहे हैं, कंपनी के अंदर के जो ऑफिसर्स हैं मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर है ये क्या करे उसे हेल्प करे उसी इन्वेस्टिगेशन में जो अभी हमने रेगुलेशन नंबर 5 में पढ़ा, समझ में आ रहा है, चलिए प्रोवाइड टू सच इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी बुक्स अकाउंट्स रिकॉर्ड्स ओपिनियन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग रिलेवेंट, जो उसे रिलेवेंट लग रहा है वो मांगेगा आपको देना पड़ेगा, खत्म, कॉपरेशन समझ में आए, अगर आपको रेगुलेशन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया है कि क्या क्या होता है इन्वेस्टिगेशन और फिर उसके आगे की चीजें पढ़ी तो ये इसमें बस असिस्ट करा है कॉपरेट करा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू सेबी, ठीक चलो अब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन करी तो भाई इसका एक रिपोर्ट तैयार, ठीक कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आफ्टर ऑल रिलेवेंट फैक्ट सबमिट रिपोर्ट टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी बोल दिया मैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, मुझे अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी कौन है, सेबी ने किया ना, सेबी ने मुझे ऑथराइजेशन दिया इन्वेस्टिगेट करने का, ठीक है तो इन्होंने क्या बोल दिया रिपोर्ट देना है किसे देना है उस अथॉरिटी को जिसने आपको अपॉइंट किया है, मुझे किसने किया, सेबी ने, तो इन शॉर्ट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर रिपोर्ट सबमिट करेगा किसको, सेबी को, क्या बोलेगा मैंने सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लिया, ठीक है कंटिन्यू, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी में सबमिट इंटरिम रिपोर्ट, क्या होता है इंटरिम रिपोर्ट, फाइनल नहीं हुआ अभी खत्म नहीं हुआ लेकिन बीच में अच्छा खासा ड्यूरेशन हो गया तो अब हमें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए बिफोर कंप्लीशन जो कोई रिपोर्ट देते हैं, ठीक है इंटरिम रिपोर्ट पेंडिंग कंप्लीशन, अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है कंसीडर जरूरी है तो वो भी दे दिया जाएगा, खत्म, सेबी क्या कर रहा है एनफोर्समेंट कर रहा है, सेबी एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्शन या डायरेक्शन, रिपोर्ट आ गई उसके पास, रिपोर्ट आने के बाद सेबी को जैसा लगता है वो ये सारे एक्शंस ले सकता है, आओ पहले एक्शन क्या करेगा सस्पेंड कर देगा, गड़बड़ है ना, क्या मिला रिपोर्ट में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किया है मार्केट को मैनिपुलेट किया है तो ये सारे एक्शन लेगा ना वो, पहले एक्शन खुद रीड करो क्या बोला है सस्पेंड, दूसरा क्या बोला है रिस्ट्रेन बोले तो रोक दिया जाएगा, अब तुम सिक्योरिटी मार्केट में एंटर नहीं करोगे, ठीक है नेक्स्ट क्या लिखा है, जो भी ऑफिस बेयरर था ठीक है उसको सस्पेंड, नेक्स्ट एम्पावर रोक देंगे रिटेन द प्रोसीड ऑफ सिक्योरिटी, भाई तुम्हारी सिक्योरिटी का जो भी पैसा है मान लो कोई कंपनी है कंपनी अभी इश्यू इश्यू लेके आई उसका पैसा भी रोक दिया जाएगा, नेक्स्ट डायरेक्ट नॉट टू डिस्पोज, बस मैंने हेडिंग हेडिंग बनाई है अंदर वही लिखा है, क्या मतलब हो रहा है इसका डायरेक्ट नॉट टू डिस्पोज, अब तुम्हारे पास जो सिक्योरिटीज है तुम उसे बेच सकते नहीं हो, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास उसका कंट्रोल आएगा, क्यों, क्योंकि आप कुछ मैनिपुलेट कर रहे हो, देन कॉल एनी ऑफ इट्स ऑफिसर एम्प्लॉय, किसी को भी इंफॉर्मेशन किसी को भी बुलाकर उससे कुछ भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी पूछताछ कर सकता है, प्रोहिबिट क्या प्रोहिबिट, ई पॉइंट और जी पॉइंट को थोड़ा देखो, ई पॉइंट क्या कह रहा था आपको बेचना अलाउड नहीं है, जी क्या बोल रहा है टोटल प्रोहिबिटेड कर दिया, मतलब ये अभी रिस्ट्रिक्टेड है अभी हमने रोका हुआ है
कुछ टाइम बाद देखेंगे समझेंगे अलग हो, ये पूरे से प्रोहिबिट करते भैया तुम नहीं बेच सकते, पूरी अथॉरिटी के पास आ जाएगा, वो अपने हिसाब से डील करेगी। डायरेक्ट डिस्पोज हो सकता है, वो क्या बोलेंगे बेचो। ई पॉइंट क्या बोलता है और एच पॉइंट क्या बोलता है? ई बोलता है ऐसे भी डायरेक्शन दिए जा सकते हैं कि बोला जाएगा मत बेचो या फिर बोला जाएगा बेचो, डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकते हैं ना, एक्शन तो कुछ भी हो सकते हैं। डन, चलो। एनी फाइनल ऑर्डर पास पुट ऑन दी वेबसाइट, जो भी फाइनल ऑर्डर रहेगा प्लीज सेबी की वेबसाइट में दिखना चाहिए। एंड फाइनली क्या लिखा है, हेडिंग बताओ, हेडिंग समझ में आ रही है पहले बताओ। मैनर ऑफ सर्विस ऑफ समन, व्हाट डू मीन बाय समन? लीगल नोटिस, ठीक है, नोटिस देके बुलाना। एनी समन नोटिस बाय दी सेबी सर्व, देखो कहाँ दिया जाएगा, या तो डिलीवर किया जाएगा पर्सन के थ्रू या फिर ऑथराइज एजेंट, ठीक है। बाय सेंडिंग कैसे दिया जाएगा, फैक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉनिक मेल, कुरियर यूज कर सकते हो, स्पीड पोस्ट यूज कर सकते हो, रजिस्टर पोस्ट जो करना है करो, नोटिस पहुंच जाना चाहिए, बस वही कह रहे। स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट के थ्रू जाओगे ना, तो इन्होंने कहा कि भाई कहाँ भेजोगे, जहाँ रहता है वो, ठीक है, रेसिडेंस है या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ वो लास्ट बिजनेस करता था, लास्ट रहता था। अगर फैक्स के थ्रू जाओगे तो प्लीज नंबर ऑफ पेजेस सेंड शेल ऑल्सो बी मेंशन। फैक्स क्या होता है, कभी देखा है? एक बहुत बड़ी फैक्स मशीन किया है कभी? खत्म ही हो गया जमाने, इतनी सारी चीजें आ गई है, ईमेल, ठीक है। पहले ईमेल, इंटरनेट इतनी आसान नहीं था, मतलब हम लोगों ने तो ये करवाया भी है जब हम एकदम स्कूल में थे, छोटे बच्चे थे, ये सारी चीजें हम लोग करते थे। क्यों? क्योंकि उस जमाने में इंटरनेट नहीं था इतना स्ट्रांग, ठीक है। इंटरनेट की कहानी तो ऐसी थी कि पूरे 1 महीने में 1 GB लेते थे, और आज क्या हो गया, वो भी कम पड़ रहा है, वो भी 1.5 चाहिए, 2 GB चाहिए, है ना, दो भी कम है, और वो पूरा 1 महीना चलाना होता था। और हर किसी के फोन में इंटरनेट वाली सर्विस नहीं होती थी उस टाइम पे, थोड़े कीपैड वाले फोन होते थे, ठीक है, बस फोन बात कर लो, जैसे आज भी तुमने कीपैड वाले देखे ना, वो फोन उस जमाने में हुआ करते थे, ठीक है। तो अब अगर किसी को कुछ भेजना है तो हमारे पास वन ऑप्शन क्या है, फैक्स, जो वो ईमेल में चीजें भेजते हैं ना, डॉक्यूमेंट इधर से उधर, तो फैक्स। और फैक्स के लिए क्या होता था, यहाँ एक फैक्स मशीन होती थी, और जहाँ भेजना है वहाँ भी एक फैक्स मशीन होगी, और ये मशीनों दुकानों में मिलती थी, कहीं ऐसे ही नहीं मिलेगी, बहुत एक्सपेंसिव मशीन होती थी, और बहुत मोटी सी अजीब सी, ये फोटोकॉपी की मशीन देखना हमारी, ये देखिए फोटोकॉपी की मशीन हमारी, समझ लो यही फैक्स मशीन थी उस जमाने में। यहाँ से पेपर जाता था, टिडिंग टिडिंग टिंग, बहुत धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस भी होता था, बहुत देर तक ऐसे खड़े रहते थे, जाएगा फिर वहाँ मिलेगा, फोन करते थे, फोन भी उस जमाने में हर किसी के पास नहीं होते थे, लाइन लाइन से पहुँचा पहुँचा बस यही करते रह जाते थे। तो पता नहीं क्यों लिखा है, हट जाना चाहिए यहाँ से। चलो फैक्स से भेज रहे हो तो भाई कितने नंबर ऑफ पेजेस है, सेंड शैल ऑल्सो भी मेंशन। अब पेजेस भाई ज्यादा तो ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक जो भी इंस्टेंट मैसेज सर्विसेज है, डिजिटली साइन बाय, इन्होंने कहा कि भाई जो भी होगा अगर इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहे हो तो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, डीएससी, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, कहाँ सुना है, जिगल में, कमिल लॉ में भी पढ़ा है ना। तो ये अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कोई दे रहे हो तो यहाँ डिजिटल साइन होना चाहिए, बस वही कह रहे। चलिए, फेलियर टू सर्व समन, समन या फिर नोटिस नहीं दे पाए तो क्या करो, ये पूरा तुम्हें जिगल की याद दिला रहा होगा, एफेक्ट्स ऑन दी आउटडोर या फिर सम अदर कॉन्स्पिशियस पार्ट, मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ से अच्छे से दिख जाए इजीली, ठीक है। कहाँ भाई, किस घर पे, लास्ट रेसिडेंस जो भी होगा जहाँ पे वो बिजनेस करता था, लास्ट वर्क जो भी था, विद इन रिपोर्ट प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस, दो लोगों की, है ना, दो लोग देख रहे हो ताकि आपकी तरह ये बात फैल जाए कि, है ना, घर पे कुछ चिपकाया हो पढ़ पढ़ के। अब तो फोटो खींच के व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दो बस, है ना, सोसाइटी का तो ग्रुप बना ही होगा, फैल गई बात। इन केस ऑफ फेलियर टू फिक्स दिस समन, ठीक है, पब्लिश, घर पे भी नहीं चिपका पाए तो भाई क्या करो, न्यूज़पेपर में छपवा दो, गए काम से, वन ऑफ इंग्लिश या फिर रीजन जहां भी वो रहता था। अभी तो फिलहाल कौन, किसने किया ये, अथॉरिटी ने किया है, तो जब भी इस पे काम किया जाता है तो सामने वाले से पूरा वसूल लिया जाता है। सेम कोर्ट कचहरी में भी ये होता है, कोर्ट में भी तो ये होता है, समन नोटिस ये सब। अब हमने इतनी सैंडल या फिर जूते या चप्पल घिसी है तुम्हारे इस काम के लिए, तो एंड में जब आप ड्राफ्टिंग करोगे, अभी प्रोफेशनल पे सब्जेक्ट ही आएगा तुम्हारा ड्राफ्टिंग, उस ड्राफ्टिंग में प्रॉपर एंड में ऐसा लिखा जाता है कि भाई ये कंप्लेन और इतना माथा पच्ची, इतना अपील अपील कर कर
हमारे इतने खर्चे होते तो हमें 1 करोड़ चाहिए। हम डिमांड ज्यादा करेंगे, कोर्ट बोलेगा हमारे अकॉर्डिंग तुम्हारे पास 50,000 बनते हैं तो तुम्हें 50,000 मिलेगा। तो कुछ नहीं, तुम्हारा लगा। हाँ, हमारे अपना, मेरे पैसे लगे, किसके पैसे लगे, क्योंकि फीस वगैरह भी तो लगाई है हमने। हम तो लॉयर पे लॉयर लगा रहे हैं ना केस, मैंने तो अपना खुद का पर्सनल लॉयर किया होगा, तो फीस उसकी किसकी गई, मैंने दिया। मान लो मैं केस जीत जाती हूँ तो मेरे ड्राफ्ट के एंड में ये लिखा होता है, सब मैं निकलवाऊंगी ना ऑब्वियसली, मेरा इतना टाइम स्पेंड हुआ। और डिफेमेशन, डिफेमेशन क्या होता है, मानहानि का केस हो रहा है ना एक तरीके से, मेरा नाम खराब हो गया, मेरा केस हो गया और आखिरकार मैं जीत गई, तो मैं सब वसूल लूंगी। हाँ, वसूला ही जाता है, लेकिन यही तब वसूल पाओगे जब जीतोगे, हारोगे तो भाई तुम्हारा लॉस है ना, तुमसे वसूलेगा वो कि भाई तुमने मुझ पे डिफेम किया, मेरे को डिफेम किया, तो इसलिए भाई थोड़ा सा सोच समझ के। ठीक, चलो, फाइनली सस्पेंशन कैंसिलेशन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन किसका, रेगुलेशन 12 से क्या क्लिक होता है, वैसे सेबी का सेक्शन 12 था, इंटरमीडिएट के लिस्ट थे, ठीक है, ये इस रेगुलेशन की बात कर रहे, 12 की बात हो रही है, सेबी ये सारी एक्शंस लेगा, ये वैसे भी रिपीट है, क्या इशू, क्या वार्निंग या फिर सेंश्योर, मतलब क्या, तुमने जो भी किया उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, व्हाट डू मीन बाय क्रिटिसाइज करना, किसी को भी क्रिटिसाइज करना, तुमने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी बुराई करना कि ये बिल्कुल गलत किया है, तुमने ऐसे कैसे दे सकते हो, मतलब मेंटल टॉर्चर करना, इन शॉर्ट क्या किया जाएगा, या तो आपको वार्निंग दी जाएगी कि ऐसा गलत काम मत करो, और तुमने जो भी किया उसे क्या किया जाएगा, क्रिटिसाइज किया जाएगा, वार्निंग ही एक तरीके से कि भाई तुमने बहुत गलत किया, आइंदा नहीं करना। सस्पेंड किया जा सकता है, आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है, नो फाइनल ऑर्डर सस्पेंशन कैंसिलेशन अनलेस, अनलेस इन्होंने कहा प्लीज ये इंटरमीडिएट का आप कैंसिलेशन कर रहे हो तो इनके अलग से रेगुलेशन है, उनका बस ध्यान रख लेना। समझ में आ गया, अब ये चैप्टर पूरा प्रोविजन से खत्म है, आप खुद देखो ये चैप्टर बहुत हल्का चैप्टर है, नया है, पुराने सिलेबस में नहीं था, तो इसको थोड़ी इज्जत बस इस कारण से मिल जाएगी, अदरवाइज चैप्टर में तो उतना कोई दम नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, कुछ केसेस है, हर केसेस का कंक्लूजन क्या है, पेनल्टी, लेकिन अब बस मैं आपको सिचुएशन शॉर्ट में बस बताती जा रही हूँ, शॉर्ट में समझाती जा रही हूँ। सबसे पहला जो केस है ये बोलता है ही यूज टू इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, जब तुम लोगों को हमने स्टार्टिंग का चैप्टर में जब पढ़ाया था तो बीच बीच में याद है, एक रमेश पीयूष एक एमडी था, उसको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिली, तो सारी कहानियां ऐसे ही है ऑलमोस्ट, क्या लिखे है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिली जिस कारण से आपने ट्रेड किया बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द क्लाइंट। ठीक, अब इन्होंने क्या बोला, प्रॉफिटिंग फ्रॉम दी नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन से आप प्रॉफिट कमा रहे हो, हमने सेम एग्जाम्पल पढ़ा था, इसके लिए उन्होंने बोल दिया भैया पेनल्टी लगेगी। अब आपके आपके बुक में यही सारी पूरी कहानी बताई है, और एंड में जाके देखो इतनी सारी कहानी बताई क्योंकि वो फैक्ट्स बता रहे, एंड में जाके उन्होंने बस भारी भरकम पेनल्टी वेनल्टी दे दी है। ठीक है ही नहीं ये वाला, कौन सा वाला है, ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या बोलता है, सब में पेनल्टी है, ठीक है, देखो डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द पेनल्टी विच हैज इम्पोज, तो इसकी कहानी क्या है, आओ कहानी, सेबी फाउंड सर्टेन ट्रेड रिलेटेड टू जो भी ये कंपनी है वर मैनिपुलेटिव, क्या पता चला इन्होंने क्या किया, मैनिपुलेटिव, वापस हम तीन चीजें पढ़ते हैं, आपने मार्केट को मैनिपुलेट किया, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की रही है, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किया है, तो ये लिखा है मैनिपुलेटिव इफेक्टिंग द कंपनी शेयर प्राइस, आपने कुछ ऐसा किया जिसे आप क्या कर रहे थे, अपनी कंपनी के शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे थे, मतलब जितनी प्राइस है नहीं उतनी प्राइस आप उसको दिखा रहे हो। ठीक है, इनिशियली मॉडिफाई ऑफ द पेनल्टी वार्निंग, अभी हमने देखा कि क्या क्या हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, वार्निंग दी जा सकती है, और सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, चलो, पेनल्टी टू वार्निंग विच हैज बीन कंटेस्टेड सेबी कॉन्ट्रेरी टू स्टेटरी प्रोविजन, मैटर वॉज एस्केलेट, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, सेड डज नॉट हैव अथॉरिटी टू कन्वर्ट द मॉनिटरी पेनल्टी इन टू वार्निंग। अब मुझे ये बताओ, हमने वार्निंग भी पढ़ा था, ठीक है, कि क्या क्या एक्शन लिया जाएगा, हुआ क्या, मॉनेटरी पेनल्टी को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, वार्निंग में, तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं किया जा सकता, आपको हमने बोला भाई तुमको 12 करोड़ देने, ठीक है, सेट आगे चल के क्या बोल देता है, सेट आगे चल के सभी बोलते हैं तुम्हें 12 करोड़ देने पड़ेंगे, ठीक है, सेट आगे चल के बोलता है ठीक है पेनल्टी हटा दो, मैं इसको किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, वार्निंग। वार्निंग क्या होता है, वार्निंग मतलब बस तुम्हें बोलकर छोड़ रहे, देने की जरूरत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सैट तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, वार्निंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता, आपको पेनल्टी लगेगी। हाँ ठीक है, चलो, तो कंक्लूजन आपको याद रखना है, कंक्लूजन क्या, कि मॉनेटरी पेनल्टी को वार्निंग में, भाई वार्निंग को
पेनल्टी। अब होगा क्या, तुमने एक ऐसा गलत काम किया जिस पे पेनल्टी लगनी चाहिए थी, हम उसको क्या कर रहे, वार्निंग दे रहे, मतलब कुछ एक्शन नहीं लिया ना। वार्निंग देना किसको क्या ही फर्क पड़ रहा है, दो बार तुमको डांट दिया कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ लॉस होना चाहिए। तो कह रहे बस डांट लगा दी, तो डांट लगाना ठीक नहीं है क्योंकि काम थोड़ा ज्यादा सीवियर नेचर का था। ये वाला केस है, ठीक है चलो। इसका कंक्लूजन क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री का केस है, मैनिपुलेट द मार्केट बाय यूजिंग स्कीम। याद करो हमने क्या क्या पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो हम रेगुलेशन नंबर 3 में पढ़ रहे थे, यूज किया एम्प्लॉय किया, डिसेप्टिव डिवाइस था और एक वर्ड था अजीब सा सी से, जिसका मतलब मैंने स्कीम बताया था। जाओ रेगुलेशन 3 में जाओ, हाँ स्कीम थी ठीक है। तो ये कह रहे भाई कंपनी ने कोई ऐसी स्कीम यूज करी विद इट्स एजेंट, जिस कारण से क्या कर रहे थे वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। अब हमने पढ़ा है ना इन्फ्लुएंस करना भी गलत है, खरीदना बेचना, इन्फ्लुएंस करना और असिस्ट करना, डीलिंग से क्या होती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इन्फ्लुएंस कर रहा था प्राइस ऑफ द रिलायंस कंपनी, द स्कीम इन्वॉल्व द क्रिएटिंग आर्टिफिशियल पोजीशन इन द फ्यूचर ऑप्शन। आर्टिफिशियल चीजें बता रहे कि फ्यूचर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा ठीक है, तो जिस कारण से कंपनी की शेयर की प्राइसिंग ज्यादा दिख रही थी ठीक है। तो सेबी ने कुछ नहीं पेनल्टी लगाया। इन शॉर्ट बस मैं आपको क्यों ये रीड करा रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, बस तुम्हें पता चले हो क्या रहे, जो भी हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा इसके रिगार्ड में कुछ भी हमें दिखता है तो आपको लगानी है पेनल्टी। लेकिन आपके सिलेबस में क्या पेनल्टी अलग से दी है इस चैप्टर में, नहीं दी है ठीक है। तो पेनल्टी देना तुम्हारा काम है ही नहीं, और ना ही उन्होंने कुछ कोर बताया, सीधे से बस बता दिया डिसीजन की इतनी इतनी पेनल्टी लगी, तो आपको पेनल्टी तो बोलनी है। तो वो सारी चीजें, वार्निंग दिया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है और वार्निंग भी दी जाएगी। अगर आपको याद हो अभी हमने और भी चीजें पढ़ी थी, ये भी तो एक्शन ले रहे थे, एक्शन की लिस्ट थी पूरी, सस्पेंड, रिस्टेन, सस्पेंड, इंपाउंड, रिटेन, प्रोसीड, डायरेक्शन, किस चीज का डायरेक्शन, बेच दो या फिर डायरेक्शन मत बेचो। तो ये सारी चीजें भी हैं इंक्लूड, कि सेबी ये सारे एक्शन लेगा और पेनल्टी भी लगाएगा। कभी कभार जनरल क्वेश्चन आ जाता है कि भैया बताओ सेबी क्या क्या करेगा, तो पेनल्टी भी लगा सकता है और ये सारे पॉइंट्स भी आएंगे ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस 2021 वाला दिख रहा है, यह है चलो, क्रिएशन ऑफ द मिसलीडिंग अपीयरेंस ऑफ द ट्रेडिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द स्क्रिप्ट बाय द कंट्रीब्यूटिंग द प्राइस टू रेज द ट्रीटमेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एज पर द सेबी ठीक। इसका कंक्लूजन ये है, जो कंपनी है कंपनी फाउंड दैट द कनेक्टिव एंटिटी मैनिपुलेट द प्राइस, इन्होंने प्राइस को मैनिपुलेट करके बढ़ाया बाय ट्रेडिंग द हाई वॉल्यूम ऑफ क्रिएटिंग मिसलीडिंग अपीयरेंस। जैसे मैंने आपको बताया था ना, हम जानबूझ के वॉल्यूम दिखा रहे हैं, खरीदना बेचना दिखा रहे हैं, तो प्राइस में इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं ठीक है, फंस गए तो गए। इन्फ्लुएंस दिस स्टॉक प्राइस, जिससे हम अपनी प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, बढ़ाता हुआ दिखा रहे थे, इस मैनिपुलेशन डीम अनफेयर प्रैक्टिसेस, और उसमें इतला तक की पेनल्टी लगाई ठीक। सबका कंक्लूजन पेनल्टी है बच्चों, लेकिन क्या क्या फॉल्ट किया है ये बस बता रही। ये वाला केस है आंचल वाला, इस केस में क्या था, मिसयूज द फंड पढ़ा था हमने, कोई भी फंड का क्या कर रहा है, डाइवर्जन कर रहा था, मिसयूज कर रहा था, रेज थ्रू द प्रेफरेंशियल इशू। समझो प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है बताओ, प्राइवेटली दिया, प्राइवेटली मैंने इशू लेकर आया प्रेफरेंशियल इशू, आगे चल के भी लिस्ट हो जाएगा लिस्टेड कंपनी ठीक है। लेकिन मेरे ऑफर डॉक्यूमेंट तुमको भी दिया होगा ना, उसमें क्या लिखा था, पैसा कहाँ लगाऊंगी, तुमसे पैसा ले लिया, ऑफर डॉक्यूमेंट लिखा था ए प्रोजेक्ट में लगाऊंगी, लेकिन पैसा तो डी प्रोजेक्ट में लगा रही हूँ, ई प्रोजेक्ट में लगा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मिसयूज ऑफ फंड। तो मिसयूज ऑफ फंड रेज थ्रू द प्रेफरेंशियल इशू ठीक है, वायोलेटिंग द एथिकल या रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, द कंपनी इज मिस एलोकेटेड दीज फंड फॉर द पर्पज अदर देन द स्टेटेड इन द टाइम ऑफ द इशू। इशू के टाइम पे जो बातें बोली गई थी उस पर पैसा नहीं लगाया, रिपे सच एज रिप सॉरी रिपेइंग लोन फॉर द पर्पज ऑफ अनरिलेटेड कंपनी ऑपरेशन। एक्चुअल में उसे लोन के लिए चाहिए था रिपे करने के लिए, किया क्या, जिस पर्पज के लिए बोला था उससे निकाला, सॉरी पैसे तो ले लिए, उस पर्पज में लगा के अपने खुद के दूसरे काम को वो निपटा रहा था। दिस रूल फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, जिसमें लग गई पेनल्टी। ये चैप्टर होता है ओवर ठीक है, ये इससे पहले सिलेबस में नहीं था, तो जो आपको क्वेश्चन बैंक मिली है उसमें जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस खुद के क्रिएट किए हुए क्वेश्चंस हैं, अभी तक के पास एग्जाम में नहीं आए ठीक। चलो यहाँ पे ये चैप्टर होता है ओवर।